हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक मच अवेटेड, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, एंड इट इज़ नन अदर देन NYBAY1 ब्रांड। गाइस, बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी जस्ट टेल यू, माय एंटायर फेस इज़ NYBAY, एंड मैं लिटरली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी पिंक पिंक वाइब, पिंक बिंदी, पिंक आउटफिट, पिंक मेकअप, इट लुक्स सो गुड। मैं बहुत खुश हूँ आज अपने मेकअप से, एक दो प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी कंप्लीट फेस इज NYBAY, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू बाई दीज प्रोडक्ट्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, यू कैन गेट देम फ्रॉम purple.com, क्योंकि पर्पल पे चल रही है बैंड बाजा ब्यूटी सेल, एंड आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो, एक बहुत 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 अमेजिंग अनाउंसमेंट करनी है, एंड इट इज़ कफ्स एंड लैशेज अब आप शॉप कर सकते हो फ्रॉम purple.com। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। नाउ, अगर आप जानना चाहते हो हाउ आई गॉट दिस पिंकी पिंकी लुक, विच आई एम रियली लविंग, यू नो, बड़ा सही लग रहा है, स्पेशली दिस लिपस्टिक, आई लव दिस लिपस्टिक। कौन सी है वो वीडियो में ही पता चलेगा, बट फिलहाल इफ़ यू वॉन्ट नो हाउ आई गॉट दिस लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल बटन पर भी हिट कर देना। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग सकती है क्योंकि लिटरली मेरे को अभी उठे हुए दो ढाई घंटे ही हुए हैं, एंड बिकॉज आज मुझे कहीं जाना है इसलिए मुझे सुबह सुबह उठ के फिल्म करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपनी स्किन को थोड़ा फ्रेश अप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी व्यायाम आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग, एंड हल्की सी रोज़ की फ्रेगरेंस भी है, तो यू नो, काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी काम डाउन सा फील होता है इसको यूज़ करके। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी NYBAY का ये वाइटमिन सी सीरम है, वाइटमिन सी प्लस B3 फेस सीरम। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने अभी तक इसको एक भी बार यूज़ नहीं किया है, आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस बिकॉज यू नो, आई लव गुड वाइब्स के सीरम, एंड फॉर सम रीज़न आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम NYBAY एज वेल। इट्स रियली नाइस, एंड बड़ा जेली टाइप का फील हो रहा है। आई मीन, इसका जो टेक्स्चर है ना, इट्स वेरी गुदगुदा काइंड ऑफ, जैसे हैलुरोनिक एसिड का टेक्सचर नहीं होता, वेरी गुदगुदा टाइप का, उस टाइप का है। ओके, नेक्स्ट हम अप्लाई कर लेंगे मॉइस्चराइज़र, और उसके लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ बिलीव का ट्रू क्रीम बॉम्ब, टू क्रीम बॉम्ब भी है ना, हाँ, ट्रू क्रीम मॉइस्चराइजिंग बॉम्ब, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आपकी यू नो ड्राई स्किन है, तो ये ट्रू क्रीम बॉम मॉइस्चराइज़र ना विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है, हैवी नहीं है, एट द सेम टाइम स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी NYBAY का ये लिप बाम। दिस इज़ इन द फ्लेवर फ्रेंच रोज़ लिपिंग, एंड ये एक प्लम्पिंग लिप बाम है, तो जब आप इसको लगाओगे ना तो आपके लिप्स थोड़ा सा स्टिंग करेंगे, तो आई लाइक इट इसके प्लम्पिंग इफेक्ट के लिए, खूब सारा लगाऊँगी मैं। और जैसे आप इसको लगाओगे ना, लिटरली इन 3-4 सेकेंड्स हल्का सा चिनमिनाहट शुरू हो जाएगी लिप्स पे, इन अ गुड वे। सो स्किन और लिप्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, अब हम फिल करेंगे अपनी आईब्रोज, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी NYBAY की ब्राउ क्लिन ब्रिज आईब्रो पेंसिल इन ब्राउन। ये काफ़ी अच्छी है ऑनेस्टली, सिर्फ 99 रुपीज़ की है, बट फॉर दैट द पिगमेंटेशन इज़ रियली रियली नाइस। अच्छा सा ब्राउन कलर है जो कि यू नो वॉर्म नहीं है, इट्स लाइक न्यूट्रल ब्राउन, जो कि आई थिंक इज़ गुड। सो मैं फटाफट से अपने आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। आज मैं बहुत लाइटली अपने आईब्रोज फिल कर रही हूँ, जस्ट जो गैप्स है ना उनको मैंने फिल करा है, फ्रंट से ज़्यादा नहीं करा, बिकॉज आजकल यूजुअली मैं बहुत एकदम स्नैच कर रही थी अपने आईब्रोज, बट टुडे आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी नेचुरल। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे आईज की तरफ, तो पहले मैं क्लोजअप में ले आती हूँ, एंड देन वील स्टार्ट विद द आई मेकअप। जो मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ ना, वो थोड़ा पिंक में है, इट्स लाइक मैं दिखाती हूँ एक मिनट ज्वेलरी आपको। सो जो मेरी आउटफिट और ज्वेलरी है, आउटफिट तो थोड़ा सा डस्टी रोज पिंक कलर का है, बट मेरी ज्वेलरी जो है वो पिंक एंड गोल्डन में है। सो आई एम थिंकिंग कि इन्हीं कलर्स के अराउंड आई प्ले। जब भी आप आई शेडो या मेकअप कर रहे हो ना, तो हमेशा आप जो है ना कलर्स जो आपको यूज़ करने हैं अपनी आईज़ पे या ऑल ओवर द फेस या लिपस्टिक का कलर, वो हमेशा आप अपनी आउटफिट के हिसाब से डिसाइड करोगे। सो मेरे पास बहुत सारे आई शेडो पैलेट हैं NYBAY के, बट आई थिंक मेरे को ये दो पैलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस वन इज़ पेपी पिंक्स, एंड दिस वन इज़ एवरीडे एसेंशियल्स।
प्रॉबेबली मैं इसको यूज़ करूँगी बिकॉज इट हैज़ ऑरेंज एंड कोरल्स. आई मीन इसमें भी है. लेट्स सी, आई प्रॉबली यूज़ बोथ ऑफ दीज आई शेडोज. आई शेडो करने से पहले मैं बेस बना लूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी NYB का ये लिक्विड कंसीलर. दिस इज़ इन द शेड चॉकलेट प्रेजल, मिल्क चॉकलेट प्रेजल, मिल्क चॉकलेट प्रेजल में है. एंड गाइस, खटखट की अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे जस्ट ऊपर वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड आई कांट डू एनीथिंग. वो सुबह से लेकर शाम तक चले गई. सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आईब्रो के अलोंग लगाऊंगी मैं इसको. तो बाय द वे गाइस, कफ्स एंड लैशेज इज़ ऑल्सो नाउ अवेलेबल ऑन purple.com. सो आप वहाँ से भी शॉप कर सकते हो. आई मीन इट इज़ एन अमेजिंग न्यूज़, राइट? और अपने कंसीलर को मैं ब्लेंड करूँगी यूजिंग कफ्स एंड लैशेज का F11 ब्रश. ये कंसीलर ब्रश है जो कि ऊपर से थोड़ा सा एंगल में है, तो इससे ना कंसीलर को ब्लेंड करना काफ़ी आसान हो जाता है. नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं पहले ये वाला पैलेट, एवरीडे एसेंशियल पैलेट. इसका जो ये वाला शेड है ना, इसको लेकर के मैं आउट ऑफ योर क्रीज में अप्लाई करूँगी. एक्चुअली इन दोनों शेड को मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा. पिगमेंटेशन अच्छा है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा और आसानी से आई थिंक बिल्ड हो जाएंगे. ब्लेंड भी अभी सोफा तो अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं, तो मैं इसको आउट ऑफ वी और अपनी क्रीज में अच्छे से ब्लेंड करूँगी. इस तरीके से थोड़ा सा आउट ऑफ वी में पुश करूँगी, लाइक पुश क्या, फ्लिक करूँगी. इससे ना आईज थोड़ी लंबी दिखती हैं, इसलिए. ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कप्स एंड लैशेस का E005. बहुत ही बढ़िया ब्रश है ये आई शेडो ब्लेंड करने के लिए, प्लेस करने के लिए. आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश फ्रॉम द इंटायर लाइन. ओके, ये वाला कलर प्लेस कर दिया. उसके बाद मुझे आउटर वी में थोड़ी डेप्थ देनी है, उसके लिए मैं ये वाला ये डस्टी रोज पिंक कलर और ये ब्राउन कलर को मिक्स करूँगी एंड सिर्फ आउटर वी में हम इंटेंसीफाई करेंगे कलर को. मैं एक्चुअली पूरी क्रीज में डाल रही हूँ उस कलर को, ऊपर नहीं लेके जाऊँगी क्रीज से, बस क्रीज में अप्लाई करूँगी. ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ कफ्स एंड लैशेज E007. उसके बाद मैं वो सेम कंसीलर ले रही हूँ बैक ऑफ द हैंड पे, क्योंकि मैं ब्रश की हेल्प से अब इसको अप्लाई करूँगी. एंड एक फ्लैट शेडर ब्रश पे मैं इस कलर को, लाइक इस कंसीलर को लेकर के कट क्रीज करूँगी. हाफ कट क्रीज करूँ, इनिशियली मैंने सोचा था मैं फुल कट क्रीज करूँगी, बट हाफ कर रही हूँ. आई थिंक हाफ ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड अब मैं ले रही हूँ ये वाला पैलेट, पेपी पिंक्स पैलेट, और इसमें ये जो शिमरी पिंक शेड है ना, ये वाला और मे बी ये वाला, मैं पहले ये वाला लगाऊंगी फिर ये वाला लगाऊंगी. सो आई यूज़ दिस इन द इनर कॉर्नर्स, दिस इन द सेंटर ऑफ द लिड. एक फ्लैट शेड ब्रश पे मैं इस कलर को ले रही हूँ. एंड उसके बाद ये थोड़ा डार्कर शेड. सिंपल सो फार. इसके बाद मैं ले रही हूँ कफ्स एंड लैशेज आई लाइनर लिप लाइनर ब्रश इन CS08. ये शाय स्टाइल्स कलेक्शन का है. ये ग्लैम गॉडेस वाला पैलेट है, इसमें है ब्लैक कलर. सो ये वाला जो ब्लैक शेड है ना, ये मैं लाइनर ब्रश पे ले रही हूँ एंड विल क्रिएट एक ऐसे सूडो लाइनर टाइप का. मुझे ब्रश इतना ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि आई कैन जस्ट यू नो ओपन माई आईज एंड देन ऑल्सो डू माई आई लाइनर. एंड आई एम हैप्पी विद दिस. थोड़ा सा मैं अभी इसको क्लीन करूँगी कंसीलर की हेल्प से जब मैं अंडर आई में करूँगी, बट सो फार आई थिंक दिस इज़ लुकिंग गुड. उसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ थोड़ा सा आउट अभी में, और
ऑलराइट, सो आईज आर डन, अब मूव करेंगे फेस की तरफ. तो मैंने प्राइमर नहीं लगाया था एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस. ये है NYBae का ऑरेंज प्राइमर. दिस इज़ प्रो प्राइमर, ऑरेंज कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. मैं इसको ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ गाइज. दिस इज़ अमेजिंग. लाइक आपके पोर्स भी फिल करता है, स्किन को स्मूथ करता है, ब्लर आउट करता है. एट द सेम टाइम इसमें एक हिंट ऑफ ऑरेंज है, तो उससे ना हल्की फुल्की डार्कनेस भी कैंसिल आउट हो जाती है. सो मैं इसको पहले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी एंड फिंगर्स की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी. बहुत हल्के हाथ से करना, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज यू नो आप ज़्यादा रगड़ दोगे तो पता चला एकदम ही स्किन में अब्जॉर्ब हो गया और आपको वो जो कलर करेक्टिंग इफेक्ट है ना वो नहीं मिलेगा. सो एज यू कैन सी, आई मीन द कलर इज़ नॉट टू मच, जस्ट द राइट अमाउंट. तो आपका जो डार्कनेस है ना उसको हल्का सा कैंसिल आउट कर देता है एंड इसके बाद आपको प्रॉबेबली कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये हल्का फुल्का काम कर देता है. I love how smoothening this primer is. I can't even tell you guys. It's so smooth. बहुत सही आपकी स्किन को ब्लर आउट करता है. अगर आप मुझसे पूछोगे ना एक प्रोडक्ट बताओ NYBae का जो लेना चाहिए, विल हाईली रिकमेंड दिस. आई एम हैप्पी विद दिस. इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मेरे पास है NYBae का ड्यू ड्रॉप्स लिक्विड फाउंडेशन. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड मेरा जो शेड है इसमें वो है 9 कैफे, शेड नंबर 9, ठीक है. सो दिस इज़ द फाउंडेशन. आई थिंक ये मैच कर जाएगा मेरी स्किन से. और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना इसको ब्लेंड करने के लिए, दिस इज़ आई थिंक F21, यस, कफ्स एंड लैशेस का. सो इस फाउंडेशन का कवरेज आई वुड से शेयर टू मीडियम है. ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गया एंड काफ़ी कंफर्टेबल है स्किन पे. इट्स अ सैटिन फिनिश फाउंडेशन. हल्का सा ग्लो भी है इसमें एज यू कैन सी. आई लाइक द फिनिश ऑफ द फाउंडेशन. इट्स सो ग्लोई गाइज, डिडंट एक्सपेक्ट दिस. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी वही सेम कंसीलर जो मैंने अपनी आईलिड्स पे यूज़ किया था, मिल्क चॉकलेट प्रेटजेल, इनर कॉर्नर्स में एंड आउटर वी में, लाइक आउटर कॉर्नर पे, सॉरी. इसमें मैं थोड़ा सा ये हनी प्रेडिसल मिलाऊंगी क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन वाला है. जो मैंने यूज़ किया तो उसमें थोड़ी सी ऑरेंज अंडरटोन लग रही है मुझे, बस थोड़ा सा. दिस इज़ काइंड ऑफ अ येलो करेक्टर. एंड अपने कंसीलर ब्रश से अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी. कंसीलर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. I like my base today. It looks amazing. Okay, next हम करेंगे contour और उसके लिए मैं use करूँगी NYBae की contour stick. So this is NYBae की contour stick in the shade toffee और इससे हम करेंगे contour. मुझे ये कंसीलर स्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स सो गुड. आई मीन ये जो कॉन्टोर स्टिक है बहुत आसानी से ब्लेंड होती है. आप चाहे तो स्पंज से ब्लेंड कर लो आपको मन है तो, या फिर ब्रश से ब्लेंड कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू. बहुत बहुत बढ़िया है एंड प्लस इट्स वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो. ओके, इट्स टाइम टू सेट द बेस और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी NYBae का रनवे रेडियंस कॉम्पैक्ट इन द शेड फेयर बेज. कुछ इस तरीके का इसका कलर है. ऑनेस्टली आई एम लविंग माई बेस. कैमरे के व्यू फाइंडर में ना इतना सही लग रहा है ना अभी इस वक्त. आई एम सो एक्साइटेड. ओके, सो अंडर आइज को सेट करूँगी पहले मैं. तो उसके लिए मैं जो इसमें स्पंज आया ना वो यूज़ करने वाली हूँ. And I just hope ये dark ना हो मेरे लिए.
एंड इसकी हेल्प से मैं अपनी अंडर आई सेट करूँगी जिससे कि वो क्रीज ना हो, और पाउडर ब्रश की हेल्प से बहुत हल्के हाथ से मैं कंप्लीट फेस को भी सेट कर लूँगी। ये जो पाउडर है ना काफ़ी पिगमेंटेड है, तो आप इसको ऑन इट्स ओन भी यूज़ कर सकते हो। आई फील लाइक इट्स वेरी पिगमेंटेड, लुक एट दैट, है काफ़ी पिगमेंटेड है ये पाउडर। जो ये पैलेट है ना, यह अपने आप में काफ़ी अच्छा है। ब्लश के शेड्स भी हैं यहाँ पर, और हल्के हाथ से अगर यूज़ करो तो इसको आप एस कॉन्टोर या आईब्रो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट या जस्ट टू लेट यू गाइस नो अबाउट दैट, नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड, दिस इज़ कॉल्ड सनडाउन रेड। बहुत ही सुंदर, एक तो पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी इस बार इसकी, एंड दिस इज़ सनडाउन रेड, अच्छा सा ऐसे डार्क ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है। सो थोड़ा हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इतना कलर हम नहीं लगाएंगे। मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर रही हूँ, एंड अपने टेम्पल से स्टार्ट करूँगी कलर को अप्लाई करना। ऐसे ज़्यादा नहीं है, ऐसे देखो तो लगता है कि ज़्यादा, बट है नहीं ज़्यादा। ये ब्लश काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब से इंटेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, एंड आई थिंक ये ब्लश सारे स्किन टोन्स पे काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल्सो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया, इफ़ यू कैन सी, मतलब मशक्कत ज़्यादा लगी नहीं, अच्छे से ब्लेंड हो गया। आई नो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया हुआ है, बट अभी मैं हाईलाइटर लगाऊंगी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है ब्लश। तो हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी स्टारी सिल्वर। तो दिस इज़ द हाईलाइटर जो कि मैं यूज़ करूँगी, ये है एनवाइबे शाइन एंड शिमर हाईलाइटर इन स्टारी सिल्वर। इसमें ना थोड़े से चंकी पार्टिकल्स हैं, बट यू नो अगर आप केयरफुली अप्लाई करो और इसके बाद मेकअप सेटिंग स्प्रे से इसको सेट कर लोगे ना अपने मेकअप को, तो सारा कुछ बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और ज़्यादा शिमर पार्टिकल्स दिखते नहीं है। इसमें तीन शेड आते हैं, इसमें गोल्डन शेड है जो कि मुझे यूज़ करने का बड़ा मन है, बिकॉज आई थिंक गोल्डन जो है इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एनवाइबे का मेकअप सेटिंग स्प्रे आता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है वो, तो मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर का ड्यूई फिनिश मेकअप फिक्सर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप सेटिंग स्प्रेज। लोअर लैश लाइन रह गया है, तो उसके लिए मैं ये सेम एवरीडे एसेंशियल पैलेट ले रही हूँ। पहले मैं ये जो पिंक शेड है ना ये लूँगी, जो ब्रश मैं यूज़ करूँ दिस इज़ शायस्टल 05 ब्रश CS05, और लोअर लैश लाइन पे इसको अप्लाई कर देंगे। इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसको सिर्फ आउटर पार्ट में अप्लाई करूँगी आई के यहाँ पर। देन मैं ले रही हूँ अपना हाइलाइटर स्टारी सिल्वर, एंड इसको मैं अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स में अप्लाई करूँगी। आईलैशेस को अपनी मैं कर्ल कर लूँगी। मैं लगा रही हूँ पर्पल का मस्कारा। अच्छा, वाटर लाइन में मैं थोड़ा सा काजल भी लगाऊंगी, दिस इज़ बिग एप्पल ऑफ माय आई कोल फ्रॉम एनवाइबे। एंड लिपस्टिक के लिए आई हैव टू ऑप्शंस, मुझे ये लिप पेंसिल भी काफ़ी पसंद आ रही है, दिस इज़ इन द शेड पार्क एवेन्यू स्काईलाइन किसिंग नंबर 15, कुछ इस तरीके की है। सो पहले मैं इसको अप्लाई करूँगी कम्प्लीट लिप्स पर, और लिप लाइन भी करूँगी इससे। इनफैक्ट ये कलर काफ़ी अच्छे से जाएगा आईज़ के साथ में, बिकॉज जो इनर कॉर्नर्स में मैंने कलर लगाया वो एग्जैक्टली सेम है। एंड ये लिप पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है, एंड आप इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। आई कैन टोटली लिव इट हेयर, बट मेरे को ये लिपस्टिक लाने का मन है। दिस इज़ एक्चुअली इन द शेड इम्पेकेबल इजाबेला 15, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एनवाइबे की लिपस्टिक है ये, नंबर 15। ये भी बहुत सुंदर शेड है, लेट मी स्वॉच दिस, बहुत ज़्यादा सुंदर शेड है। दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज, आई एम सो 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 हैप्पी टुडे।
ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए अच्छे से काम करे. आई लव द फाउंडेशन, लाइक द फिनिश वॉज अमेजिंग. मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहा. द कवरेज वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर माई स्किन टाइप. मेरे को ये लिपस्टिक बहुत पसंद है. द शेड इज सो गुड. इट्स न्यूड बट इट हैज़ दैट ब्यूटिफुल हिंट ऑफ पिंक. बहुत अच्छी लिपस्टिक है. एंड स्पेशली येस, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द प्राइमर. ओ माई गॉड, वो तो एकदम ही सोने पर सुहागा था. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट प्राइमर. हल्का सा कलर करेक्शन भी है, एक्सट्रीम स्मूथनेस भी है. आई थिंक दैट इज जस्ट एन अमेजिंग 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 प्राइमर. एंड दिस लिप लाइनर इज ऑल्सो अमेजिंग. आप इसको लिप लाइनर की तरह यूज़ करो, लिपस्टिक की तरह यूज़ करो. यू कैन यूज़ इट इन एनी वे यू वॉन्ट टू. ओवरऑल दिस लुक इज़ अ सक्सेस. आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.